subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. टाइटैनिक जहाज में लोगों का शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जो एक पैसे वाले को एक जगह चाहिए होता है। इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने ये चीज ही ऐसी बनाई थी, वो टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें, जब टाइटैनिक बनके तैयार हुआ था तब वो दुनिया की चलने वाली सबसे बड़ी चीज थी। यह 882 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा, 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। आपको बता दें, अगर ये उस टाइम खड़ा कर दिया जाता तो उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथ मैप्टन से न्यूयॉर्क की पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें, सफर के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिका सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग से टकराने से डूबा। एक खबर के मुताबिक 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिका सागर में बर्फ के बड़े से टुकड़े से टकराया। जानकारी के मुताबिक 2 घंटे 40 मिनट में यह पूरी तरह डूब चुका था। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 38 सेकंड बचे थे। आपको बता दें, यदि 30 सेकंड पहले और पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री, 908 क्रू मेंबर थे। आपको बता दें, इनमें से 1500 से ज्यादा आदमी डूब गए और 706 आदमी बच गए। जानकारी के मुताबिक टाइटैनिक यात्रियों पर कैश और ज्वेलरी समेत तकरीबन 60 लाख डॉलर का सामान था। ऐसी ही अद्भुत खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।